ब्लॉग। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ, आपने ये वीडियो पहले देखा होगा जब ये बन रहा था, मॉडिफाई हो रहा था। ये कब हो रहा था, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कि ये कैसे बन रहा था और उस टाइम क्या कंडीशन था इसको, और इसको काफ़ी मेहनत करके मॉडिफाई किया गया है। और ये बुलेट क्लासिक 350 है ये, और इसको हार्ली डेविडसन बनाया गया है। तो भाई कैसा बनाया कॉमेंट करके बताना, बट एक थोड़ा सा टीलर देख लो इसका, ठीक है। You know I hate you since you left me alone. While I can't hide you, I want to come back home. Oh, let me be your nightmare syndrome. आप लोग ने देख लिया हाईलाइट कैसा था। तो ये था क्लासिक 350 बुलेट था, और इसको हार्ले डेविडसन बनाया गया है जो काफ़ी बॉम तरीका से, और साइलेंसर वगैरह सब लगा हुआ है, आप लोग ने देख लिया होगा। बट अब यहाँ पे पूछते हैं कि इसको बनाने में कितना खर्चा पड़ा और क्या चार्ज पड़ा और कितना दिन समय लगा। तो इसको जो भी बनाया भाई राजू भाई ने बनाया है, तो अगर कॉन्टेक्ट करना होगा तो फिलहाल मैं राजू भाई को बुलाता हूँ। राजू भाई कब यार? तो ये राजू भाई हमारे साथ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो ये क्लासिक बुलेट 350 है जो इन्हीं ने मॉडिफाई किया है। और राजू भाई बताइए कितना समय लगा इसको बनाने में? 40 डेज लगा। 40 डेज। आखिर ब्लैक ही क्यों चूज़ किए इसको? ब्लैक एक्चुअल में आयरन 83 का सबसे ज़्यादा सेलिंग कलर है, ब्लैक, मैट ब्लैक। ब्लैक। तो भाई चलो और कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है, फिलहाल आप लोग को ऑफ कराते हैं। तो भाई जैसे ये बुलेट देख लो क्या क्या, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ है राजू भाई, आप बता दो हमको। हेडलाइट जैसे चेंज है, तो हेडलाइट है, मड गार्ड है, फैट टायर लगा है। अच्छा टायर भी लगा हुआ है, टायर जैसे देख लो भाई एकदम बिग है, मोटा 140 साइज का टायर लगा है। अलॉय व्हील्स चेंज हुए हैं, मड गार्ड लगा है, हार्ली का, हार्ली 83 का ओरिजिनल टैंक लगा है इसमें जी, और ओरिजिनल फिल्टर, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फिल्टर है, ओरिजिनल फिल्टर। अच्छा, और के बाद में साइलेंसर बोथ साइड लगा है, मड गार्ड चेंज हुआ है इसका। तो साइलेंसर ये भाई देख लो, और ये साइड डुअल साइलेंसर, डुअल साइलेंसर है, तो ये डुअल साइलेंसर है। और ये मेडिगार्ड का ये कटिंग चेंज हुआ है, ये मेडिगार्ड, मडगार्ड हार्ली डेविडसन पे आता है, इसको फिर मॉडिफाई करके हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन करके लगाए। अच्छा, और ये लाइट वगैरह भी लगा है? लाइट नया लगा है, फ्लेक्सिबल लाइट है ये। अच्छा, लाइट है एलईडी वाला, ये भी चलता है। हाँ, ये एक्चुअली जल रहा है। जैसा इंडिकेटर देख लो भाई ये कैसा, एक बार चलाना राजू भाई, ठीक है। और बताइए इसमें क्या क्या इसमें किए हैं? ये लगाए हैं फिल्टर, फिल्टर, ये फिल्टर, अच्छा कूलेंट फिल्टर है, कूलेंट फिल्टर है, तो ये भाई कूलेंट फिल्टर है। बाकी और इसमें एक्चुअली चेंज क्या हुआ है लुक में, बताओ आप थोड़ा सा मेरे को। ये सस्पेंशन पूरा कम्प्लीटली चेंज हुआ। कौन सा? पीछे का ये पूरा। अच्छा, रॉड पूरा कम्प्लीट चेंज हुआ है। अच्छा, पहले वाला में फिट नहीं आ रहा था। हाँ, इसको कम्प्लीटली हम लोग चेंज किया, पूरा चेंज किया है, कम्प्लीटली असेंबल करके। इसी को बनने में 20-25 दिन लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो भाई ये जिस इंडिकेटर्स लगाए हैं ओरिजिनल इसी टाइप का आता है, हार्ली का 83 में। ये कंप्लीट कैलिपर सेट हम लोग लगाए हैं ब्रेम्बो कंपनी का जी जी। ये हैंडल बार चेंज किए हैं, डिस्टेंसमीटर डाले हैं, ठीक है, रेडिएटर डाले हैं हम लोग, रेडिएटर अभी लोग डाले हैं। अच्छा, रेडिएटर भी देख लो भाई, ये भी डाला हुआ है। और कुछ नया? ये नंबर प्लेट इधर दाहिने साइड में डाला है, तो नंबर प्लेट दिख रहा है, नंबर प्लेट भी सही जगह पे चिपका दिया गया है, डबल है टायर भी। और सबसे खास बात है कि आगे का और पीछे का टायर बहुत सेम साइज है। हाँ, टायर का सेम साइज है। तो भाई ये जो आगे जो टायर है और पीछे भी जो टायर है वो एकदम सेम साइज है, और काफी बॉम पीस लग रहा है। आगे का एक डिस्प्ले वर्किंग नहीं है, फॉल्स में लगाया है ये डबल डिस्क करने के लिए। ओके, तो ये मतलब फॉल्स है,
ये वर्किंग नहीं है। हाँ ये वर्किंग नहीं है, मतलब दिखने में काफ़ी खूबसूरत बॉम्ब दिखेगा। और हेडलाइट थोड़ा सा आप जल सकता है क्या यहाँ पे, हेडलाइट थोड़ा सा मेरे को जला के दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, तो भाई हेडलाइट है, हेडलाइट काफ़ी बॉम्ब तरीका से चल रहा है, रात में तो और शानदार एकदम लाइट देगा। तो राजू भाई इसमें कितना दिन लग गया? 40 डेज लग गया। ऐसे इस बाइक की बात करें तो ये पुराना बाइक था, ओल्ड मॉडल बाइक था। ओल्ड मॉडल, क्या मॉडल था, मॉडल बता दो आप। क्लासिक 350। 350 था वो, लगभग आपका होगा 4 साल पुराना होगा गाड़ी। चार साल पुराना गाड़ी, 2015 का गाड़ी था। ओके भाई, फोटो आपको दे देंगे हम, पहले फोटो आफ्टर बिफोर का रखते हैं हम लोग अपने पास। तो ओके, ये आप लोग को मैं दिखा दूंगा फोटो वगैरह। क्या इसमें खर्चा पड़ा भाई? 120,000 टोटल। 120,000, तो भाई आपने सुना 120,000। अगर मैं जुड़ाऊँगा तो फिर काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर कुछ सवाल पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में राजू भाई का नंबर मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो अगर कोई भी गाड़ी मॉडिफाई कराना पड़ेगा तो। ये उस टाइम किस कंडीशन में था जो इतना पैसा लग गया सर? एक्चुअली ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गया थी। अच्छा, एक्सीडेंटल गाड़ी थी। एक्सीडेंट मतलब थोड़ा सा सामने का डैमेज था, कस्टमर का मूड बना कि जब खर्च करे तो कुछ ज़्यादा ही कर दे, तो उसके हिसाब से फिर इसमें मॉडिफाई कर दें। कुछ पिक्स रखते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन का। अच्छा अच्छा, आफ्टर बिफोर का पिक्स दिखलाएं उसको, तो बहुत पसंद आया तो उसमें से सिलेक्ट करके बोला कि ये वाला हम कराएंगे। तो भाई जैसे आप लोगों ने सुन लिया तो ये काफ़ी बॉम्ब तरीका से हुआ। पैसा मत देखो भाई, मॉडिफिकेशन देखो कि कितना इसमें कलाकारी हुआ है। और ये रांची में वन पीस है, एकदम पक्का वन पीस है। तो जैसा कि ये दिखा दिया मैंने मॉडिफाई, अगर कोई भी मॉडिफाई आप लोग को बाइक कराना हो यार, हाँ मैकेनिक लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत किए। क्या नाम है भाई आप लोग का? मेरा साहिल। ओह आसिफ साहिल, तो पहले वाले बुलेट मॉडिफाई जब जिस टाइम हो रहा था वो भाई ये थे, अभी थे ना, तो ये थे भाई। ये लोग भी काफ़ी मेहनत किए इस मॉडिफाई करने में। और यहाँ पे हर तरह का गाड़ी और दुकान तो मैं आप लोग को दिखा दिया, बट अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी बात करना हो, कोई भी गाड़ी का मॉडिफाई करना हो तो आप राजू भाई का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ ये बता दे रहे, ये झारखंड में रांची में होता है मॉडिफाई, ठीक है? तो आप लोग का बहुत डिमांड भी था भाई कि मॉडिफाई बाइक कहाँ पर होता है तो दिखाओ दिखाओ, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो क्या करना है, एक लाइक मारना है और वीडियो को शेयर करो, ठीक है? कैसा बना हार्ली डेविडसन कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल पर नए हो तो क्या करना पता है, सब्सक्राइब करना है। एक्चुअली बहुत रोशनी लग रहा है मेरे आंखों पे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइए, ठीक है? बाय।